बच्चों यदि आप लोग भी क्लास 10 से फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो यानी कि 15 फरवरी के दिन यानी कि आज देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों हिंदी का बिल्कुल जो है ना ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं, बिल्कुल वायरल है प्यारे बच्चों, और सेम टू सेम यहां पर आपके एग्जाम में आज पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं, सबसे पहले देखिए प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों का ये जो ना पेपर ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। प्रथम पाली में आपका विषय कोड 101 रहेगा और सेकंड में 201 रहेगा, और सेट एक आइए देख लीजिएगा पेपर है प्यारे बच्चों, बट आपको सेट कोई भी मिले सारे सेट में ना सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और बिल्कुल ओरिजिनल प्यारे बच्चों। कंटिन्यू आप लोग ना एग्जाम हॉल में जाने से पहले पूरा का पूरा एक बार देख के जाना, छाप लेना, देखिए 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको 85 बनाना है प्यारे बच्चों। पेपर लीक हो चुका है इसलिए ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट ना 85 प्रश्नों का हम उत्तर बता देंगे और आपको एग्जाम में जाना डायरेक्ट आपको सीरियल वाइज लिख देना है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिएगा सेट एक का बिल्कुल जो है ना प्यारे बच्चों ओरिजिनल पेपर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो खंडों में सबसे पहले क्या पूछा गया, सबसे पहले एक लेकर 100 तक प्रश्न है जिसमें से आपको 85 बनाना है, ठीक है। तो 50 प्रश्न ही हमारे सीट में बनाना, तो चलिए फटाफट से मैं आपका बिना टाइम लिए हुए ना पूरे प्रश्नों का उत्तर बता रहे। तो प्यारे बच्चों आप लोग चैनल पर पहली बार है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लिए, ताकि जो क्लास आपका और भी पेपर होने वाला उसका वीडियो जो है प्यारे बच्चों वायरल पेपर का वीडियो जैसे ही डाले आपके मोबाइल नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एक एक प्रश्न को हम उत्तर बता देते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाद में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है ना कितने खंडों में प्रकाशित है, तो 21 खंडों, ऑप्शन आप लोग डी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध कबीर और जो है ना ज्योतिराव फूले किसके जो है चिंतन रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे, तो भीमराव अंबेडकर के, तो ऑप्शन आप लोग ये नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देख लीजिए, पूछा गया कि काम तो कासु बाबू का ही सही पड़ता है जो ना मालूम पड़ता है इस खेल में, बताइए इधर ही खेल हो रहे थे, तो या किनका कहना था, तो बिल्कुल नोट कर लेना प्यारे बच्चों। एक इनका कहना था, तो ये कहना था किनका, तो सुपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना, 4 नंबर प्रश्न है किसने ललकार कर मदन को हाथ से उठा लिया, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना गिरधर लाल ने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ना क्या होगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है 5 नंबर प्रश्न की मदन पड़ोसियों के जो ना अवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो वो लट्टू खेल रहा था, देखना ऑप्शन यहाँ पर ना यहाँ पर एक भी करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों, तो 6 दिसंबर 1828 में होगा, तो आप लोग ना 6 का और नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हितो प्रदेश का वर्णन जो है ना जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया, तो बिल्कुल आप 7 का नोट कर लेना, ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा मैक्स मुलर का, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 8 नंबर प्रश्न बोला गया कि मैक्स मुलर के अनुसार यहाँ जो है ना यहाँ उनके जो ना प्रचलित कहावतों और जो है ना कथा जो है ना दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना गया, तो आप लोग 8 का नोट करना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ना डी करेक्ट होगा, ये आपका जो ना बौद्ध धर्म होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दैवत विज्ञान का क्या होता है, तो ये आपका जो है ना दैव विज्ञान होगा। चलिए प्रॉपर से यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना चारू चंद्र लेख जो है ना लेख किसमें मिलती है, तो आप नोट करना 10 का ऑप्शन बी होगा, ये आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली क्वेश्चन है गौर देश के लोग बड़े कितने बड़े बड़े नाखून लगते हैं, तो बड़े बड़े ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लेना। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया कि आदमी का नाखून बढ़ता है या किसने पूछा था प्यार बच्चों, तो लेखक की जो ना लेखक की छोटी लड़की ने। अगली क्वेश्चन है 13 नंबर की पुराने का मुंह सब जो ना बांछने नहीं है किस शीर्षक पाठ के, तो प्यार बच्चों या 20 की दांत की, तो आप लोग नोट कर लेना ऑप्शन बी। अगली क्वेश्चन 14 नंबर के नागरी लिपि शीर्षक पाठ में जो ना पाठ जो है ना कहाँ से ली गई है, तो बिल्कुल प्यार बच्चों आप 14 का नोट करना, ऑप्शन करेक्ट होगा सी, यानी कि आपका जो ना भारतीय लिपियों की कहानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया 15 नंबर प्रश्न की कौनक के शिला जो ना शिलाकार मान खेत के जो ना राष्ट्रकूट देव जो ना देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के जो ना शासकों के लिए किसमें मिलती है, तो बिल्कुल आप नोट करिए 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका हो जाएगा दंडी नागरी लिपि। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर है दंडी दुर्ग के बाद जो ना राष्ट्रकूटों की जो ना गद्दी कौन बैठा, तो आप नोट करना 16 का भी ऑप्शन डी होगा, ये आपका जो ना खट्टीम जो ना अमोवर्ध वर्ष होगा, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट करिए 17 नंबर क्वेश्चन है किसके गले में जो ना स्काउटों की तरह जो ना रुमाल बना रहता था, तो नोट कर लेना प्यारे बच्चों बहादुर में, तो ऑप्शन यहाँ पर 17 का ना आप लोग भी नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग ने यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर बोला जा रहा है कि सुखजीवी नामक जो है ना उपन्यास किसने लिखा, तो आप लोग 18 का भी नोट करना, ऑप्शन सी होगा अमरकांत का। अगले क्वेश्चन के बहादुर का बाप कहाँ मारा था, तो युद्ध में, ऑप्शन आप लोग डी नोट करना। अगले क्वेश्चन की हितायत का अर्थ क्या होता, तो आप लोग नोट कर लेना प्यारे बच्चों, यहाँ पर चेतावनी होता, तो ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट कर लेना फटाफट से ना। यहाँ पर देखिए एक बार प्रश्न है, अगले प्रश्न देखिए किस नंबर की प्रगतिशील आलोचना, ठीक है ना, प्रगतिशील आलोचना का जो ना मूर्त सिद्धांतों के संकलन से या साहित्य की कौन सा परंपरा है, तो प्यारे बच्चों आप लोग 21 का नोट करना, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका देख लीजिए, इसका राइट आंसर आप लोग नोट कर लेना प्यारे बच्चों, 22 का भी करेक्ट आंसर जो है ना यहाँ पर क्या होगा, तो सी होगा, बिल्कुल वायरल प्यारे बच्चों फटाफट से नोट कर लेना, ठीक है। इसलिए फटाफट से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा सहने का शब्द अर्थ क्या होता, तो बिल्कुल आप लोग 23 का भी नोट करना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर है लेखक श्रीनिवास साहित्य की कौन सी प्रतिष्ठित कलाकार है, तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर आपका कन्नड़ भाषा हो जाएगा। इसके बाद देखिए 25 नंबर का राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे, तो 1868 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लीजिए यहाँ पर, इसका भी राइट आंसर 28 नंबर है ना, 28 का भी ऑप्शन नंबर ये नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखना 27 नंबर है, तो इसका भी राइट आंसर आप लोग नोट करना, 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी होगा, यहाँ पर 7 कोरी होता है ना। चलिए बराबर से देखिए क्या क्वेश्चन है, पूछा गया कि लक्ष्मी किसके घर काम करती थी, नोट कर लेना, तहली सिद्धार के घर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती विश्वास कहानी में लक्ष्मी जो ना पड़ोस का पढ़ाकू डल का कौन था, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, 29 का भी ऑप्शन नंबर आपका भी होगा, ये आपका गुणन दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मास
शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो बिल्कुल इस पर पाठ लिखा होगा प्यारे बच्चों, बराबर से नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए माँ जो है ना, माँ जी लोगों को अस्पताल की उपमा किसकी देती थी, तो गौशाला से, तो आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए 32 नंबर का देख लीजिए, पपाती को बार बार जो ना किसकी सहायता करनी पड़ती थी, तो चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका जो ना एस्टो स्कोप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना 33 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन आप लोग नोट कर लेना बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लेना। अगली क्वेश्चन 34 नंबर पर, मुला जाए कि रामनाम बिना बिल्टे जागे जन्म के लेखक कौन है, तो बिल्कुल आप नोट करना, घनानंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही ना होगा, 34 का ऑप्शन सी होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? सी होगा, यानी कि गुरु नानक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग नोट कर लेना। 35 का भी बिल्कुल जो ना प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर जो ना सी नोट कर लेना, ये आपका ग्री हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से ना आप लोग 36 नंबर देखिए, बाने का विष के समान होते, तो रामनाम के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए जल्दी से क्या बोला है, यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों जो ना यहाँ पर क्वेश्चन है 37 नंबर, तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट करना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर है, इसका भी राइट आंसर आप लोग नोट कर लेना, 38 का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, 39 का भी नोट कर लेना, इसका करेक्ट आंसर जो है ना आप लोग डी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहले और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, ताकि प्यारे बच्चों इसी प्रकार से मैं आपको सभी सब्जेक्ट का ना वायरल पेपर दूंगा। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ना जल्दी से आप लोग 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 40 का बिल्कुल राइट आंसर जो है आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट कर लेना, बागेश्वर होगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन का नोट कर लेना, इसका भी राइट आंसर प्यारे बच्चों जो ना ग्रामा होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 42 है ना, 42 का ग्रामा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का नोट करिए जल्दी से प्यारे बच्चों, 43 नंबर क्वेश्चन का आप लोग नोट करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल आप नोट करना, उर्वशी होगा। ठीक है, चलिए बराबर से नोट करिए। यहाँ पर देखिए 44 नंबर प्रश्न का नोट कर लेना, 44 का बिल्कुल राइट आंसर आपका जो ना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 45, तो 45 का भी राइट आंसर जनतंत्र का जन्म हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 45 का आप लोग ऑप्शन जो ना 45 का जनतंत्र होगा, हिरोशिमा होगा, तो ऑप्शन डी नोट कर लेना। जल्दी जल्दी से ना प्यारे बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लेना, 46 का ऑप्शन नंबर होगा। उसके बाद 47 का भी नोट कर लेना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका भी राइट आंसर आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद 49 नंबर, 49 का भी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 50 नंबर का भी बराबर से नोट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 50 का अक्षर ज्ञान में जो है ना प्यारे बच्चों डॉग का क्या होगा समझता है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग नोट कर लेना, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसका भी नोट कर लेना, ये भी आपका निबंध में होगा। तो प्यारे बच्चों इसको इतना ही हम लोग आगे करेंगे, अभी इतना ही प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, इसलिए बराबर से नोट कर लेना, जाना प्यारे बच्चों दोनों पार्ट, दोनों एग्जाम में पूछा जाएगा, फर्स्ट वाइज सेकंड वाली दोनों में, तो जल्दी से जाकर के नोट करके प्यारे बच्चों छाप लीजिए। 85 बनाना था, मैंने 50 का आंसर बता दिया है, बट प्यारे बच्चों प्रश्न और भी है प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हो, सब्जेक्टिव भी इसी में इंक्लूड है, तो सब्जेक्टिव भी देखना चाहोगे तो प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो, सब्जेक्टिव भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्टिव में ये सारे प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों, इसमें से क्या क्या बनाना आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारे प्रश्न बनाना है, तो ये प्रश्न है प्यारे बच्चों, इन सभी को बनाना है, तो आप लोग बनाना चाहें तो आप लोगों के पास अगर टाइम है तो आप लोग इसको भी देख लेना। ठीक है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों, उसका आंसर हम लोग जैसे ही डाले आप लोगों के मोबाइल में नोटिफिकेशन, आप लोग आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो सारे प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिए स्वच्छ भारत मिशन पर पूछा गया, दीपावली पर पूछा गया, ठीक है, इन सभी पर लेख पूछा गया प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिएगा महात्मा गांधी पर पूछा गया है, और उसके बाद शहरी जीवन पर पूछा गया, सारा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा खेल का मत पर पूछा गया, उसके बाद विद्यालय पर पढ़ना अध्यापक के पास एक पत्र लिखना है, इस पर लिखा गया है, जाति आधारित जनगणना पर भी एक संवाद में पत्र लिखना है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर 5 प्रश्न बनाना है प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न को देख लीजिए, जो जो प्रश्न है प्यारे बच्चों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सारे प्रश्नों को ना एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों, और जाकर के आराम से आप लोग ने छाप लीजिए, कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, 100 में से 100 आप लोग एकदम से आराम से स्कोल कर पाओगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों व्याख्या करना है, तो व्याख्या के लिए ये सारे हैं, इनमें से किसी को भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।